बोलते पत्थर। विरासत का वो अध्याय जो पत्थरों पर तराशा गया है और जहां प्रतिबिंबित है पल्लव युगीन कला का वैभव। दक्षिण भारत में द्राविड़ वास्तु के उदाहरण पल्लव युग से मिलने लगते हैं। महाबलीपुरम के बोलते पत्थर उस युग के कला की गाथा को संजोए आज भी जनमानस के आकर्षण का केंद्र है। पल्लव युगीन ये सभी रथ एकाश्मक हैं, शैलोत्कीर्ण हैं, महाबलीपुरम में हैं और मामल्ल शैली में निर्मित हैं। इन रथों के नाम हैं धर्मराज रथ, अर्जुन रथ, पिडारी रथ, वलयान कुट्टे रथ, भीम रथ, नकुल सहदेव रथ, गणेश रथ और द्रौपदी रथ। इनमें द्रौपदी रथ का आकार कोलंबर जैसा है और वैदिक काष्ट गोल ग्रह का स्मरण कराता है। यह रथ आकार में सबसे छोटा है और इस रथ के समक्ष सिंह प्रतिमा आकारित है। धर्मराज रथ। द्राविड़ शैली में निर्मित यह एकाश्मक मंदिर त्रितल विमान का उदाहरण है। पिरामिड नुमा इस विमान के मस्तक पर अष्टकोणात्मक स्तूपिका है जो द्राविड़ शैली की लाक्षणिक विशेषता मानी जाती है। इसके सबसे निचली मंजिल में चारों ही दिशाओं में प्रवेश द्वार निर्मित हैं। इसके स्तंभों के निचले भाग में सिंह की आकृतियां तराशी गई हैं। नकुल सहदेव रथ। यह द्वितल विमान है, बेसर शैली में बना है। इसकी छत गज पृष्ठाकार है। इसकी भूयोजना आयताकार है और बौद्ध आयत चैत्य मंडपों से इसकी तुलना की जा सकती है। गणेश रथ की तुलना बेसर शैली में निर्मित रथों से की जाती है। यह त्रितल विमान का उदाहरण है। इसकी छत बेलनाकार है। छत के पृष्ठभाग पर छोटी छोटी स्तूपिकाएं बनी हैं। बेलनाकार छत के दोनों सिरों पर मेहराबदार आकृति है, जिनमें से एक में मानव मुख के सिर पर त्रिशूल का अंकन है। इस प्रकार यह शैव मंदिर का उदाहरण था। भीम रथ भी बेसर शैली में निर्मित है। यह एक तल विमान का उदाहरण है। छत के दोनों सिरों पर त्रिकोणीय मेहराब की आकृति तराशी गई है। यह रथ सांधार मंदिर की श्रेणी में आता है। अर्जुन रथ। यह द्राविड़ प्रासाद का उदाहरण है। भूविन्यास में सबसे नीचे बारी बारी से सिंह और गज की आकृतियां हैं। रथ की दीवारों पर द्वारपालों, विष्णु, ऋषि, मुरुगन, इंद्र, राजकीय दंपत्ति आदि के अंकन हैं। रथ के पृष्ठभाग में नंदी की प्रतिमा रूपायित है। वलयान कुट्टे रथ वेसर शैली का उदाहरण है। त्रितल विमान है। जगती तल की बाहरी दीवारों पर उच्चित्रण का कार्य अपूर्ण है। उत्तरी पिडारी रथ भी अपूर्ण है। दक्षिणी पिडारी रथ का कंठ तक का भाग आयताकार है, लेकिन शिखर में बेलनाकार और स्तूपिका दोनों के ही स्वरूपों का सम्मिश्रण मिलता है। रथ के जगती पृष्ठ की नक्काशी अपूर्ण है। चैत्य गवाक्षों से झांकते मुख, उड़ते राजहंसों की पंक्तियां